हेलो गाइस, तो सबसे पहले तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हम सभी प्रेमी बहन भाई के लिए। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक सुनना, स्किप मत करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचाना। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। तो बात करते हैं, हम वचन लिए थे कि हम 15-20 जीव लेकर आए हर बार सत्संग में गुरुमंत्र दिलाने के लिए, अच्छा छुड़ाने के लिए। इसके लिए एक बहन का मुझे क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि कैसे संभव होगा, हम कैसे 15-20 जीव ला सकेंगे, कोई हमारी बात नहीं मानता, या कैसे भी उनके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि हम ये कैसे संभव होगा। तो सबसे पहले तो जब भी हम इस सेवा के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं जब भी हम, तो सबसे पहले सतगुरु के नाम की अरदास करो, सतगुरु का नारा लगा कर उसके बाद अरदास करो कि मालिक मैं जो सेवा करने जा रहा हूँ वो सेवा मैं जी जान से करूँ, और ये सेवा मैं नहीं कर रहा, आप ही हमसे करवा रहे हैं। तो जब आप सतगुरु के अरदास करके घर से चलोगे तो सतगुरु हमारे साथ ही सेवा में होते हैं। हमें तो सतगुरु ने एक बहाना दिया है, तो जब हम सेवा के लिए निकलते हैं तो सतगुरु हमारे साथ ही होते हैं, और जब हम कहीं पर जाते हैं तो उनके आगे भी अरदास करके यही चीज़ उनको समझाओ कि कैसे हम उनको सतगुरु के लिए प्रेरित करें, सतगुरु के गुणगान उनको सुनाकर। तो जब हम सेवा के निकल पड़ते हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं नव जीव जोड़ने के लिए, तो सतगुरु उधर पहले ही खड़े होते हैं और हमारा काम पहले हुआ होता है। पहली बात ये जो 3 वचनों का पक्का है, मालिक पर दृढ़ यकीन रखता है, तो उसकी बातों में ही इतना नशा होता है, वो इतना कोई जब सतगुरु के गुणगान गाएगा, जब सतगुरु के बारे में कुछ उनको बताएगा, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा उन बातों का असर होगा कि वो खुद भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये चीज़ हमने फील की हुई है। जब हम सतगुरु के किसी को गुणगान सुनाते हैं, जब सतगुरु की हम बातें सुनाते हैं कुछ भी, तो उनके ऊपर इतना असर होता है, वो खुद सतगुरु की ओर खींचे चले आते हैं। और रही बात 15-20 नव जीव जोड़ने की, तो वो तो हमसे एक सतगुरु सेवा ले रहे हैं। सेवा भी ऐसी कि मालिक हमारे पता नहीं कौन से कर्म काट रहे हैं और मालिक वो हमसे सेवा ले रहे हैं, और हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आगे वाला क्या बोलेगा, क्या उनके माइंड में होगा सतगुरु के लिए। तो उनकी आप टेंशन मत लो, और जो सतगुरु ने जिनको गुरमंत्र देना, जिनको अपने साथ जोड़ना है, तो उनका ठप्पा सतगुरु ने पहले ही लगा रखा है। ये तो मालिक हमसे एक सेवा ले रहे हैं, हमारे कोई कर्म काट रहे हैं, पता नहीं ये मालिक जाने उनकी क्या रजा है, तो हमसे सेवा ले रहे हैं और हमारे कर्म काटने के लिए, हमसे सेवा लेने के लिए हमसे करवा रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बुरा है, बहुत वक्त बुरा है, तो उनके लिए मालिक ने कोई ना कोई सेवा तो लेनी है। तो हमें नहीं इनकी रजा का पता होता कि मालिक की क्या रजा है। और दूसरी बात, सतगुरु ने वचन भी किए हुए हैं कि जब हम सपनों में जा जा कर सभी को नाम देने लगे तो आप उन पर कैसे पाबंदियाँ लगा लोगे। और आप इनसे जुड़ी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने खुद सुनी है। एक बहन थी हमारे घर पे आई थी, सतगुरु के गुणगान हम गा रहे थे, बातें कर रहे थे सतगुरु की, तो उन्होंने खुद हमें इन चीज़ का बताया, कहते मैंने जब पहली बार इनके बारे में सुना था, मैंने गौर नहीं की, तो जब कहते मेरे सपने में आए पिताजी और मुझे गुरुमंत्र दे गए, नाम दे गए सपने में, तो कहते मेरे बाकी फैमिली मतलब नाम लिया था, उनकी नई नई शादी हुई थी, किसी अननो प्रेमी से आए थे वो, तो कहते मैंने जब उनको बताया कि मुझे ये पिताजी नाम दे गए, तो वो कहते उनको बिलीव नहीं हुआ। फिर कहते मैंने नाम शब्द एक जने को बताया कि ये नाम शब्द है, तो वो कहते हंसने लग गए, तो कहते नहीं आपको अब नाम दिला के लाते हैं। जब उन्होंने फिर नाम लिया तो वो इतने खुश हुए, उन्हें बताया कहते वही सेम तरीका पिताजी का नाम देने का, मुझे भी ऐसे ही उन्होंने नाम दिया और सपने में नाम दे दिया था। तो उनके ऊपर बहुत आज रहमत है पिताजी की, बहुत ज़्यादा, वो इतने गुणगान गाते हैं, इतने खुश हैं, बहन थी इतने ज़्यादा खुश है, हमने मतलब बहुत कम ऐसे प्रेमी देखने को मिलते हैं जो सतगुरु के इतने गुणगान गाता है। तो उनको भी सतगुरु ने सपने में पहले नाम दिया था, फिर उन्होंने खुद जाकर नाम लिया। तो वही बात है, तो सतगुरु ने तो पता नहीं कि उनको कैसे तारना है, तो ये तो सतगुरु हमसे सेवा ले रहे हैं, और जब हम सेवा के लिए निकलते हैं तब हम ये चीज़ के बारे में सोचना भूल जाएं कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि जब हम अरदास करके निकलते हैं तो अरदास में इतनी पावर होती है, और सतगुरु भी इस चीज़ में हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब हम किसी के घर जाते हैं तो सतगुरु जिनको अपने साथ जोड़ना, उनका ठप्पा पहले लगा ही हुआ है,
तो सतगुरु ने जिनको अपने साथ जोड़ना उन्होंने जुड़ना ही है, और जिन्होंने नहीं जुड़ना उनके कर्म ये मालिक जाने किनके कैसे कर्म है। तो हम इस चीज़ के बारे में टेंशन लेते हैं, सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे नए जीव जोड़ेंगे। तो ये तो मालिक हमसे एक सेवा ले रहा है, तो हम दिल जान लगा कर ये सेवा करते रहें तो ना जाने आने वाले टाइम में कैसे इसका फल मिलेगा। क्योंकि जब इतिहास में जब युग परिवर्तन आता है तो इस चीज़ का भी हिसाब किताब होता है। जो धर्म के साथ जुड़े होते हैं उनका भी एक हिसाब होता है कि उन्होंने कितनी सेवा की है, कैसे सेवा की, कैसे जी जान लगा कर उन्होंने सेवा की है। तो जितने भी बहन भाई है, अपने आप को एक भाग्यशाली मानकर चलो कि हमने ये सेवा करनी है। और जब हम सतगुरु के आगे जाके गुणगान गाते हैं तो मालिक जाने इनका क्या फल देगा। और सभी जब भी कहीं पर जाते अपने साथ नए जीव जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले उनको नारा लगाओ, जो हमारी बात सुनना चाहता है, जो सतगुरु के साथ जुड़ना चाहता है, वो खुद निम्रता के साथ हमारा स्वागत करेगा, हमने बैठने के लिए बोलेगा। तो फिर जाके उनके आगे मालिक के सारे गुणगान गाओ, क्योंकि हम जब सतगुरु के गुणगान गाते तो इनका फल भी आने वाले टाइम में हमें देगा कि इन्होंने हमारे लिए कितने कुछ सुना है। अगर कोई प्रेमी हमें गलत बोल रहा है, जो कुछ भी डेरे के बारे में, जब पिता उनके आगे हाथ जोड़ो तो वो फल भी मालिक आपको देगा। और जिन्होंने गलत बोला है तो उनको भी कभी न कभी इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने बहुत गलत किया था। ऐसे भी हमने प्रेमी देखे हैं जो कहते हैं हम सतगुरु को पहले पिता को बहुत बुरा बोल चुके हैं और आज हम सतगुरु के साथ जुड़े हैं और दृढ़ विश्वास है। तो ये मालिक की पता नहीं क्या रजा होती है, कईयों से मुंह से गलत निकलवाना होता है फिर सतगुरु के साथ जुड़ते हो, या कईयों ने बिना कुछ गलत बोले सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं। ये चीज़ें हमने सारी देखी हुई हैं। तो जब हम सेवा करने के लिए चले जाते हैं तो सबसे पहले अरदास करके चलो कि मालिक आप हमारे साथ हो, और हम तो कुछ सेवा नहीं कर सकते, आप ने ही हमसे सेवा लेनी है। तो मालिक के आपके ऊपर रहमत बहुत ज़्यादा करेंगे और वो सेवा आपसे कैसी होगी आपको पता तक नहीं चलेगा। और एक और बात, हम सोते हैं सतगुरु के बारे में बातें करते हैं, हमें पता खुद पूरी सृष्टि पूरी त्रिलोकियों के मालिक हैं जिन्होंने इतनी सृष्टि चला रखी है, तो भला वो हमसे ऐसी सेवा क्यों ले रहा है? क्योंकि उन्होंने हमारे कर्म काटने हैं, इनके आने वाले टाइम में कर्म काटने कोई कष्ट ना आए। जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जिनके एक इशारे पर पूरी सृष्टि चल रही है, उसको भला क्या जरूरत है हम जैसे एक आम बंदे से सेवा लेने की? ये तो सतगुरु की एक रजा है, ये तो मालिक हमसे सेवा ले रहा है, ना जाने इनकी क्या रजा होती, क्या पता मालिक हमसे परख रहा हो हमें कि कौन कैसे सेवा करता, कितनी दिल से करता, कितनी जान लगा के करता है। और एक और बात, जब सतगुरु ने पूरी सृष्टि को चला रखा है तो वो भला किसी को नाम दिलाने के लिए या किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए हमारा सहारा क्यों लेगा? उनको तो एक थोड़ा सा इशारा करने की जरूरत है, सतगुरु के साथ वो तो अपने आप ही जुड़ जाएंगे नवजीव। तो हर चीज़ का एक ना टाइम होता है। तो जैसे आज हमसे सेवा ले रहे हैं मालिक, तो इनके पीछे मालिक की बहुत बड़ी एक रजा है। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती कि आने वाले टाइम में इसका क्या फल मिलेगा। जो बहन भाई तीनों वचनों का पक्का है, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखता है, तो उनको ऐसी चीज़ों की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी कि हम इनको अपने साथ मालिक के साथ कैसे जोड़ना है, नवजीव कैसे लेकर आएँ। जिन्हों को मालिक ने अपने साथ जोड़ना उनका ठप्पा लग गया, तो मालिक एक हमसे एक सेवा ले रहे हैं कि ये सेवा करते जाएँ और इनके कर्म काटते जाएँ और नवजीव जोड़ते जाएँ। तो कभी भी ये चीज़ मन में मत लाना कि हमसे कैसे होगा, दिलो जान से लगे रहो, अपनी जान लगा दो सेवा करने में। कोई भी सेवा कर रहे हो तो अभी से आप जोड़ने शुरू कर दो सतगुरु के साथ जोड़ने के लिए, नवे जीव जोड़ने के लिए। और कहीं भी घर घर जाते हो अरदास करके निकलो, जब आप जितने भी जिनकी सेवा लगी रही, चार की पांच की जितने भी एक ग्रुप में जाते हो, तो सभी अरदास के साथ ही सेवा करो और अभी से इस सेवा में लग जाओ कि किन किन को लेकर जाना है। और जब सतगुरु आएंगे मिशन से वापिस तो हम वो जितने भी नए जीव हो गए उनको सिर्फ एक बार बोलने की जरूरत पड़े कि आज सतगुरु आ रहे हैं और आज नशा छुड़ा रहे हैं, नाम शब्द दे रहे हैं, चलो हमारे साथ, तो वो उसी वक्त हमारे साथ चल पड़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो अच्छे शुभ काम होते हैं उनके लिए देरी मत करो, बस सेवा पर लग जाओ और मालिक जाने आगे क्या होगा, कैसे उनने कर्म काटने हैं सेवा करवाने वालों से और सेवा लेने वालों से भी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में कभी भी नेगेटिव सोचो मत कि हमसे कैसे होगा, पॉजिटिव सोच कर चलो कि सतगुरु हमारे साथ है, सतगुरु ने खुद ये सेवा लेनी है, सतगुरु ने खुद ये सारा कुछ करना है। तो आप
बस लगे रहो सेवा जी जान लगा कर। सो थैंक यू सो मच। बैंड का सवाल आया था कि हम कैसे संभव होगा, तो संभव ऐसे ही होगा, अरदास करके निकलो, सतगुरु को अपने साथ सोचो कि हमारे साथ ही हैं, तो सतगुरु आपके साथ विराजमान जरूर होंगे। तो आपके साथ जब सेवा आप करने पर जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो टाइम कैसे गुजर गया और कैसे आपके साथ नए जीव जुड़ गए। तो थैंक यू सो मच। तो टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, और मिलते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।